हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। रियाज किचन एंड व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि मेरी सारी रेसिपीज होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आपने बहुत तरह की गोभी बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी लिया है, जिसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। पानी को हल्का सा हमें गर्म करना है। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे एक आलू, जो कि इस तरह से टुकड़ों में कट किया है। ध्यान से डालेंगे क्योंकि पानी थोड़ा गर्म है। इसके साथ ही ऐड कर देंगे गोभी, जिसे इसके फूल में काट लिया है। आलू और गोभी को दोनों को अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे नमक वाले पानी में। पहले हम इसे एक बॉयल दिलवाएंगे और जब बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हमें कम कर देना है। स्लो फ्लेम पर इसे हाफ कुक होने तक हमें बॉयल करना है। जब तक ये गोभी बॉयल होती है तब तक हम टमाटो की प्यूरी रेडी कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार लेंगे, जिसमें सबसे पहले दो टमाटर डाल देंगे। इसके साथ ही ऐड कर देना है एक अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियां, और इसका हमें एक प्यूरी रेडी कर लेना है। ये प्यूरी रेडी हो चुकी है, अब हम रखते हैं इसे साइड पर। अब हम इस गोभी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हाफ 50% तक कुक हो चुकी है। अब हमें फ्लेम को कर देना है बंद और इसे निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपना चॉइस का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और जब ये तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले तेज पत्ता ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और दो लौंग डाल लेंगे और इन्हें हल्का सा भूनेंगे। जब ये हल्का सा भून जाएगा तो इसके साथ हमें ऐड कर देना है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम को हमें कम ही रखना है, तेज आंच पर प्याज जल जाएगा और इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जो कि लो फ्लेम पर भुने हुए प्याज का आता है। तो फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। इसके साथ ही ऐड कर देनी है एक हरी मिर्च, जिसे दो टुकड़ों में काट लिया है, और इसे भी डालकर अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें जो टमाटो की प्यूरी ऐड की बनाई थी वो ऐड कर देंगे। और इसे भी हमें लो फ्लेम पर कुक करना है। आज मौसम यहाँ पर बहुत ही खराब हो रहा है, आपको आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही है। तो इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और लो फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे। इसके साथ ही ऐड कर देंगे आधी कटोरी दही।
यहाँ पर हम फ्रेश कर्ड का यूज करेंगे, दही का यूज करेंगे, खट्टी दही नहीं यूज करनी है। और इसे लो फ्लेम पर डालेंगे और साथ साथ में हमें इसे हिलाते रहना है, वरना जो दही है वो फट सकती है। तो लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली इसे हमें हिलाते रहना है। अब हम इस कढ़ाई को ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं होता इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं तेल इसका ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरे मटर। सर्दियों में मटर भी बहुत अच्छे आते हैं, तो फ्रेश मटर ही यूज करिएगा। इसे डालकर हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। बादल बहुत गरज रहे हैं आज, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश है, ठंड और बढ़ गई है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आलू और गोभी जो हमने बॉईल की थी। और सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे ढककर पकाना है 4-5 मिनट तक, क्योंकि आलू और गोभी ऑलरेडी हाफ तक कुक हो चुके हैं और इस सब्जी को बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसे हटाकर ढक्कन को हम एक बार चेक करेंगे, इसे 1-2 बार बीच में हिलाएंगे और बाद में इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आलू गोभी मटर की सब्जी टेस्टी यमी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप हलवाई के हाथ की भी सब्जी खाना भूल जाएंगे अगर आपने ये एक बार सब्जी खा ली। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।